चलिए आ रहा हूँ। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है एकदम आराम से? पता नहीं हमेशा मुझे आखिरी लेक्चर क्यों देते हैं लोग, आपकी आधी पूरी एनर्जी तो एग्जॉस्ट हो गई होती है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल हमने लेक्चर में चैप्टर स्टार्ट किया था, अभी तक हमारे कंफर्टेबली 2 लेक्चर हुए हैं। फर्स्ट लेक्चर हमने पूरे सिलेबस का ओवरव्यू समझा कि हमें पार्ट ए पार्ट बी 2 पार्ट में सिलेबस डिवाइड किया है। पार्ट ए के अंदर 3 Act 11 Regulation, पार्ट बी के अंदर 2 चैप्टर। यहाँ तक हम क्लियर हैं कि सिलेबस का ओवरव्यू है। फिर हमने एक शॉर्ट टर्म टारगेट बनाया कि एक टारगेट बनाते हैं तकरीबन 2 हफ्ते का कि इन 1.5-2 हफ्ते में हमें पहले 3 एक्ट खत्म कर लेने, कि एक बार हम लोग एक 3 एक्ट खत्म करेंगे, देन आफ्टर वी विल स्टार्ट विद रेगुलेशन। और उसी सीरीज में हमने सबसे पहले फर्स्ट एक्ट को स्टार्ट किया, दैट इज सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट। चलो इसके बारे में हमने क्या देख लिया, क्विकली रिवाइज करेंगे, देन आफ्टर लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, ईयर क्या था? 1956। आपको सारे एक्ट याद रखने, 11 की 11 रेगुलेशन भी याद रखनी है, बिकॉज किसी भी रेगुलेशन पे अगर क्वेश्चन आया तो यू विल बी स्टार्टिंग विद ना एज पर एस सी आर ए 1956 करके स्टार्ट करेंगे। जैसे कि कंपनी लॉ के अंदर आप सेक्शन कोट करते हैं कभी कभी, ये नहीं कह रहा हूँ कि हर जगह कोट करते हैं, कंपनी लॉ में हम कभी कभी सेक्शंस कोट करते हैं। सर सिक्योरिटीज लॉ में सेक्शन या रेगुलेशन कोट करना है? सेक्शंस कोट नहीं करना है, बट आपको एक्ट और उसका रेगुलेशन कोट करना है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? कंपनीज एक्ट में क्या, पूरे सिलेबस में एक्ट तो एक ही है, कंपनीज एक्ट, तो उसके अलग अलग सेक्शन आते हैं। तो यहाँ पे इतने सारे एक्ट के अलग अलग सेक्शन आप याद नहीं रख सकते, दैट इज फाइन, बट आपको एटलीस्ट ये जरूर याद रखना है एक्ट कौन सा है, ताकि हम हर एक क्वेश्चन के बिगनिंग में वी कैन कोट कि इट इज अंडर दिस एक्ट और अंडर दिस रेगुलेशन। तो अभी पहला एक्ट शुरू किया और मोर ऑर लेस आपको तीनों एक्ट के नाम तो याद हो जाने चाहिए। सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, सेबी एक्ट 1992 एंड देन डिपॉजिटरीज एक्ट 1996। हमने पूरा ईयरली देखा था कि पहले हालत बहुत खराब थी, फिर इंप्रूव हुई और उसके बाद में डीमैट का कंसेप्ट आया 1996 में। चलो एस सी आर ए 1956 ये कौन से मंथ में आया था, याद आ रहा है? कल हमने देखा था फेब्रुवरी 1957। सर ये याद करना जरूरी है क्या? नहीं, बट अब एक बार रिवाइज करके देख लेते हैं। फेब्रुवरी 1957 में इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, ऐसा कुछ लिखा था क्या एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर? नहीं, सो इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, वेरी गुड। ये हो गया एस सी आर ए का एक फेयर आइडिया जो हमने शुरुआत की, ठीक है। इसके बाद में हम लोग ने कुछ डेफिनेशन पढ़े, टू बी वेरी प्रिसाइज 3 डेफिनेशन हमने कल पढ़े थे, एकदम कंफर्टेबल। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉर्पोरेटाइजेशन, द डेफिनेशन ऑफ कॉर्पोरेटाइजेशन, एकदम आराम से। कॉर्पोरेटाइजेशन की डेफिनेशन जैसी आती है दिमाग में एक चैप्टर आ जाना, एक चार्ट आ जाना चाहिए। कॉर्पोरेटाइजेशन रिफर्स टू द डैश ऑफ सक्सेशन, द सक्सेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज विच वॉज इन द फॉर्म ऑफ और अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 टू अनदर स्टॉक एक्सचेंज विच इज इन द फॉर्म ऑफ अ फॉर द पर्पज ऑफ असिस्टिंग रेगुलेटिंग कंट्रोलिंग द बिजनेस ऑफ बाइंग सेलिंग और डीलिंग इन सिक्योरिटी, दैट वॉज द डेफिनेशन ऑफ कॉर्पोरेटाइजेशन। एकदम शांति से कॉर्पोरेटाइजेशन, अब मैं बोल रहा हूं आप सिर्फ सुनेंगे एकदम आराम से। कॉर्पोरेटाइजेशन इज द सक्सेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज विच वॉज अर्लियर इन द फॉर्म ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन और सोसाइटी अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 टू अनदर स्टॉक एक्सचेंज विच इज इन द फॉर्म ऑफ अ कंपनी, उसके बाद में जनरल फॉर द पर्पज ऑफ असिस्टिंग रेगुलेटिंग कंट्रोलिंग द बिजनेस ऑफ बाइंग सेलिंग डीलिंग इन सिक्योरिटी। This is the definition of corporatization we read yesterday. और हमने समझा भी सही कि पहले स्टॉक एक्सचेंज बहुत पहले दुकान खोल दी थी लोगों ने association of person के form में, फिर जबरदस्ती act लाया 1956 में और उसको convert किया गया in company form. Okay, ठीक है। फिर एक definition पढ़ी, demutualization. Same चीज को एक अलग नजर से देखा गया, this is what the segregation of ownership and management from trading rights in accordance with the स्कीम अप्रूव्ड बाय सेबी, एकदम आराम से। व्हाट इज डीम्यूचुअलाइजेशन? डीम्यूचुअलाइजेशन इज द सेग्रीगेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट फ्रॉम ट्रेडिंग राइट इन अकॉर्डेंस द स्कीम अप्रूव्ड बाय सेबी। याद आ रहा है कि जब मैंने आपको बताया था कि अगर एसोसिएशन ऑफ पर्सन और हमारी सोसाइटी थी उसको कन्वर्ट करना था इनटू कंपनी, तो हमें एक स्कीम सबमिट करनी थी सेबी के पास, उस जमाने में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल देता था, उसी के बाद में आप कन्वर्ट कर सकते थे। उस स्कीम की यहां पे बात की जा रही थी। Okay, are we absorbing these 2 definitions? That's it. Yeah. Third definition we read was spot delivery. उसके अंदर मैंने कुछ आपको
बेसिक्स भी बताए थे स्पॉट डिलीवरी के, बेसिक्स जो हमने बताए थे वो अपने लिखे नहीं थे कल शायद, है ना, लेकिन हमने डिस्कस किए थे कि वो लिखे नहीं थे, वो हमें लिखने हैं। बेसिक्स हमने पढ़े थे कि ट्रेडिंग दो प्रकार की होती है, वन इज स्पॉट ट्रेडिंग डिलीवरी ट्रेडिंग, वन इज फ्यूचर्स ट्रेडिंग। अगर मैं आज ही शेयर्स खरीदता हूं पैसे देके, व्हेन द पेमेंट एंड डिलीवरी इज इमीडिएटली स्पॉट, एंड व्हेन पेमेंट एंड डिलीवरी इज ऑन अ फ्यूचर डेट फ्यूचर। खैर ये सब हमारे सिलेबस में बाद में आएगा, अभी तो हम डेफिनेशन पढ़ना चाह रहे थे स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट का। इसकी डेफिनेशन इस प्रकार से थी, अ कॉन्ट्रैक्ट विच प्रोवाइड्स फॉर ए एंड बी, अ कॉन्ट्रैक्ट विच प्रोवाइड्स फॉर ए एंड बी, एकदम विच सेटिस्फाई दीज टू कंडीशन, एनी ऑफ दीज ए एंड बी। ए वॉज टॉकिंग अबाउट विच काइंड ऑफ शेयर्स, फिजिकल शेयर्स, एंड बी वॉज टॉकिंग अबाउट डीमैट शेयर्स। लेकिन ए में कहीं फिजिकल की बात नहीं की थी, वो कही थी बी में। एकदम आराम से हम पढ़ने की कोशिश करते, क्या कह रहे थे, स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट रेफर्स टू अ कॉन्ट्रैक्ट विच प्रोवाइड्स फॉर, ध्यान से, पेमेंट एंड डिलीवरी ईदर ऑन द और ऑन द नेक्स्ट डे। हमने यहां पढ़ा था ए, वेयर द पेमेंट एंड डिलीवरी इज ईदर ऑन द सेम डे और ऑन द नेक्स्ट डे। ओके फाइन, खत्म। बी कहता था व्हेन द शेयर्स आर बीइंग इन बीइंग डेल्ट इन बाय डिपॉजिटरी, इफ शेयर्स आर डेल्ट इन बाय डिपॉजिटरी, इफ द शेयर्स आर डेल्ट इन बाय डिपॉजिटरी, व्हेन द डिपॉजिटरी ट्रांसफर्स द शेयर्स फ्रॉम वन बेनिफिशियल ओनर्स अकाउंट टू अनदर बेनिफिशियल ओनर्स अकाउंट। एकदम आराम से यहां तक हमने कल देखा था, इतना सा देखा था। ये तीन डेफिनेशन, कॉर्पोरेटाइजेशन, डीम्यूचुअलाइजेशन तो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पॉट डिलीवरी वाली एग्जाम में आई नहीं है, लेकिन हमें पता होना चाहिए व्हाट डू मीन बाय स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट। स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट रिफर्स टू अ कॉन्ट्रैक्ट विच प्रोवाइड्स फॉर पेमेंट एंड डिलीवरी इधर ऑन द सेम डे और ऑन द नेक्स्ट डे। बी क्लॉज, इफ द शेयर्स आर डेल्ट इन बाय डिपॉजिटरी, मतलब शेयर्स अब डीमैट अकाउंट में, इफ द शेयर्स आर डेल्ट इन बाय डिपॉजिटरी, व्हेन द डिपॉजिटरी ट्रांसफर्स द शेयर्स फ्रॉम वन बेनिफिशियल ओनर्स अकाउंट टू अनदर बेनिफिशियल ओनर्स अकाउंट। सर व्हाट डू मीन बाय अ बेनिफिशियल ओनर, अ डीमैट अकाउंट होल्डर, अ डीमैट अकाउंट होल्डर इज नोन एज बेनिफिशियल ओनर। ओके 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 सर, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, यहां तक हम कल के लेक्चर में देख चुके थे एकदम आराम से। अब हम आगे बढ़ रहे हैं डेफिनेशंस में एकदम कंफर्टेबली। जैसे कि मैंने कहा कि अगर कुछ लोगों ने आज ही ज्वाइन किया, बिल्कुल घबराना नहीं, जस्ट टेक इट ईजी, आप समझ लो आपके लेक्चर यहां से स्टार्ट हो रहा है। एंड सेकेंड थिंग इज, मैं वो इनिशियल कुछ लेक्चर्स वैसे यूट्यूब पे कह रहा हूँ अपलोड कर दूंगा, तो उसके लिए आपको फिर ये करना है, ये टॉपिक आपको शुरू से ही देखना है, तो वो एक बेस बनेगा, बिकॉज पहले दिन तो हमने सिर्फ बेसिक्स ही डिस्कस किए थे, तो वो सारी चीज़ों के साथ में आप यहाँ पर आएंगे तो आपको बहुत कंफर्टेबल लगेगा। अभी थोड़ा सा अगर समझ नहीं आ रहा है तो डरना नहीं है, इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी इवेंचुअली। द नेक्स्ट डेफिनेशन, जो डिफिकल्टी वो हमने कल पढ़ ली, आज इजी वाली खत्म कर लेते हैं फटाफट से। इजी डेफिनेशन अगली आती है, द डेफिनेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। व्हाट डू मीन बाय स्टॉक एक्सचेंज, अब आपको बहुत लड्डू लगेगी ये डेफिनेशन। स्टॉक एक्सचेंज मीन्स एनी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, कॉन्स्टिट्यूटेड बिफोर कॉर्पोरेटाइजेशन एंड डीम्यूचुअलाइजेशन। याद करो, ये जब एक्ट नहीं आया था, 1956 का एक्ट नहीं आया था, कॉर्पोरेटाइजेशन डीम्यूचुअलाइजेशन नहीं था, तब स्टॉक एक्सचेंज किस फॉर्म में थे, एओपी या फिर सोसाइटी। तो वही तो कहा, स्टॉक एक्सचेंज मीन्स एनी बॉडी कॉर्पोरेट, कॉन्स्टिट्यूटेड बिफोर कॉर्पोरेटाइजेशन एंड डीम्यूचुअलाइजेशन, और अ बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट, वेदर अंडर स्कीम ऑफ कॉर्पोरेटाइजेशन एंड डीम्यूचुअलाइजेशन और अदरवाइज। कहने का मतलब है, व्हाट डू यू मीन बाय स्टॉक एक्सचेंज सर, अगर 1956 के पहले की बात करें तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन, और 1956 के बाद की बात करें तो कंपनी। ध्यान से, अगर 1956 के पहले की बात करें, मतलब कॉर्पोरेटाइजेशन डीम्यूचुअलाइजेशन के पहले की बात करें, तो स्टॉक एक्सचेंजेस वर एओपी, एंड अगर उसके बाद की बात करें तो स्टॉक एक्सचेंजेस वर कंपनी। या तो ये एओपी या फिर एक कंपनी, विच इज फॉर द पर्पज ऑफ असिस्टिंग रेगुलेटिंग कंट्रोलिंग द बिजनेस ऑफ बाइंग सेलिंग और डीलिंग इन सिक्योरिटीज। ये तो हमें पहले से ही बता था, स्टॉक एक्सचेंज यही करता है, कल देख चुके हैं एकदम आराम से, वेरी कंफर्टेबल। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज रेफर्स टू ईदर एसोसिएशन ऑफ पर्सन बिफोर कॉर्पोरेटाइजेशन और एंड डीम्यूचुअलाइजेशन, और अ बॉडी कॉर्पोरेट आफ्टर, फ्रेंकली आई टेल यू, अ बॉडी कॉर्पोरेट अंडर कॉर्पोरेटाइजेशन एंड डीम्यूचुअलाइजेशन और अदरवाइज।
पहले इस डेफिनेशन को अच्छे से समझेंगे, फिर इसको याद करने की बात करेंगे. देखो क्या कह रहे हैं, अगर कोई एओपी बीओआई है, एओपी है वो 1956 से पहले, मतलब कॉर्पोरेटाइजेशन के पहले, तो वो एओपी भी तो स्टॉक एक्सचेंज था, ठीक है. अब मान लो मैं वो एओपी हूँ जो उस टाइम पे स्टॉक एक्सचेंज था, और 1956 में मुझे कंपलसरीली क्या कर दिया गया, कंपनी में कन्वर्ट कर दिया गया, मतलब कंपलसरीली मेरे ऊपर कॉर्पोरेटाइजेशन और डिम्यूचुअलाइजेशन हो गया, ठीक है. सो इधर स्टॉक एक्सचेंज रिफर्स टू अ एओपी बिफोर कॉर्पोरेटाइजेशन डिम्यूचुअलाइजेशन, ठीक है, और अ बॉडी कॉर्पोरेट अंडर कॉर्पोरेटाइजेशन एंड डिम्यूचुअलाइजेशन. ये किसकी बात कर रहे हैं जो 1956 में कन्वर्ट हुए. मान लो उस टाइम पे इंडिया में तीन स्टॉक एक्सचेंज थे, एनएससी, बीएससी, अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज, ये तीन स्टॉक एक्सचेंजेस इंडिया में थे. तो ये तीनों एओपी के फॉर्म में थे पहले, फिर इनको कन्वर्ट करके कर दिया कंपनी के फॉर्म में. सो दीज वुड बी बॉडी कॉर्पोरेट अंडर कॉर्पोरेटाइजेशन डिम्यूचुअलाइजेशन. मान लो किसी ने स्टॉक एक्सचेंज स्टार्ट ही किया 1961 में, तो क्या उसके ऊपर कॉर्पोरेटाइजेशन अप्लाई होगा क्या, क्या उसको मैंडेटरीली कन्वर्ट किया होगा क्या? अरे वो तो नया ही कैसा बना होगा, कंपनी के फॉर्म में. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो देर कैन बी अ बॉडी कॉर्पोरेट, अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आई एम जस्ट ट्राइंग यू टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन. सो देर कैन बी अ बॉडी कॉर्पोरेट विच हैज बीन फॉर्म्ड नॉट अंडर कॉर्पोरेटाइजेशन डिम्यूचुअलाइजेशन बट अदरवाइज. अदरवाइज मतलब ये वो केस हो गया, मान लो 1956 के बाद में अगर किसी ने स्टार्ट किया है तो वो कॉर्पोरेटाइजेशन डिम्यूचुअलाइजेशन में थोड़ी आया, उसने तो डायरेक्टली कंपनी के फॉर्म में किया, तो उसको आपने सक्सेशन कन्वर्जन तो कराया ही नहीं उनपे. तो तीन चीजें हो गई सर, एक एओपी बिफोर कॉर्पोरेटाइजेशन डिम्यूचुअलाइजेशन, बॉडी कॉर्पोरेट अंडर कॉर्पोरेटाइजेशन डिम्यूचुअलाइजेशन, एंड बॉडी कॉर्पोरेट अदरवाइज देन कॉर्पोरेटाइजेशन डिम्यूचुअलाइजेशन, जो कि नए स्टार्ट हुए थे. आर यू अंडरस्टैंडिंग? आज अगर हम देखते हैं, अगर हम गूगल करेंगे बैठ के हाउ मेनी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंजेस आर देयर इन इंडिया, तो आपको 20 के आसपास कुछ एक फिगर मिलेगा, गूगल करेंगे तो मिल जाएगा. इंडिया में आज की तारीख में 20 के आसपास रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज है, उनमें से सबसे दो पॉपुलर हैं एनएससी बीएससी, ये जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सबसे बड़े हैं, लेकिन इनके अलावा बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंजेस इंडिया में हैं. तो ये सबके सब 1956 के पुराने थोड़ी हैं, इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो 1956 के बाद में फॉर्म हुए. तो जो 1956 के बाद में फॉर्म हुए, दे आर नॉट बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म्ड अंडर कॉर्पोरेटाइजेशन डिम्यूचुअलाइजेशन, दे हैव बीन फॉर्म्ड अदरवाइज, एंड दैट इज व्हाई द डेफिनेशन सेज स्टॉक एक्सचेंज रेफर्स टू अ एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर्म्ड बिफोर कॉर्पोरेटाइजेशन डिम्यूचुअलाइजेशन, और अ बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म्ड अंडर कॉर्पोरेटाइजेशन डिम्यूचुअलाइजेशन और अदरवाइज. आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब ये सब तो मैं बता रहा हूं ना, ये सब तो कुछ काम का भी नहीं है, काम की डेफिनेशन इसके बाद में आती है. भले ही एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो, भले ही बॉडी कॉर्पोरेट हो, विच हैज बीन फॉर्म्ड फॉर द पर्पज ऑफ 1, 2 and 3, क्या था कल पढ़ा है हमने, असिस्टिंग रेगुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग व्हाट द बिजनेस ऑफ, द बिजनेस ऑफ बाइंग सेलिंग एंड डीलिंग इन सिक्योरिटीज. सो एक स्टॉक एक्सचेंज का काम तो यही होता है ना, लेकिन वो स्टॉक एक्सचेंज क्या हो सकता है, तो हमने बताया भाई साहब अगर इसके पहले है तो स्टॉक एक्सचेंज एओपी भी हो सकता है और बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकता है अंडर द स्कीम ऑफ कॉर्पोरेटाइजेशन एंड डिम्यूचुअलाइजेशन और अदरवाइज. सर क्या कभी एग्जाम में आया है? नहीं, बढ़ा सकता है तो हम एक बार अच्छे से देख रहे हैं एकदम आराम से. चलो, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज एकदम आराम से. स्टॉक एक्सचेंज मींस एनी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, ये तो इररिलेवेंट है वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, कॉन्स्टिट्यूटेड बिफोर कॉर्पोरेटाइजेशन एंड डिम्यूचुअलाइजेशन, और अ बॉडी कॉर्पोरेटेड कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट. मैं आपको सही मायनों में बताऊं ना, ध्यान से समझना, अभी तो हम एनालिसिस ही कर रहे हैं. बॉडी कॉर्पोरेट तो हमेशा कंपलसरीली इनकॉर्पोरेटेड ही होगी ना, इनकॉर्पोरेट वर्ड ही हम यूज करते हैं जिसको सेपरेट लीगल एंटिटी दिया जाता है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो इनकॉर्पोरेट होगी कंपलसरीली बॉडी कॉर्पोरेट. सिर्फ नीचे सेकंड क्लॉज में लिखा था कि बॉडी कॉर्पोरेट विल बी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट, सिर्फ इसके लिए क्लैरिफिकेशन के तौर पर ऊपर भी लिखा गया वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, बिकॉज बॉडी ऑफ इंडिविजुअल इज नेवर इनकॉर्पोरेटेड, अ कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड, एलएलपी इज इनकॉर्पोरेटेड, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल इज नॉट इनकॉर्पोरेटेड. तो फिर सर ये लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? ये लिखने की जरूरत पड़ी बिकॉज 1956 की पुरानी बात कर रहे हैं, तो पता नहीं कौन सा कंपनीज एक्ट था, कौन से रेगुलेशन थे. तो एक बॉडी ऑफ इंडिविजुअल भले इनकॉर्पोरेटेड है या नहीं, लेकिन बॉडी कॉर्पोरेट हैज टू बी इनकॉर्पोरेटेड. तो नीचे लिखा था इट हैज टू बी इनकॉर्पोरेटेड, सो क्लैरिफिकेशन के तौर पर ऊपर दिया गया वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट. तो हमारे लिए इन सब में सबसे रेलेवेंट चीज तो ये दो वर्ड है बस. स्टॉक एक्सचेंज मींस अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और अ बॉडी कॉर्पोरेट. स्टॉक एक्सचेंज मींस अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और अ बॉडी कॉर्पोरेट
which is established for the purpose of this 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 in the, for the business of this this this. तो हमारे काम का यही है, बट अब इसको हम थोड़ा सा और अंडरस्टैंडिंग, आप समझ लो पुश पे बटन पे चल रहे अपन. अगर हमें सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन लिखनी है, सबसे छोटी डेफिनेशन, तो सबसे छोटी डेफिनेशन इसकी ये हो जाएगी, स्टॉक एक्सचेंज रेफर्स टू बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट विच इज फॉर द पर्पज ऑफ 1 2 3 क्या असिस्टिंग. अरे जितनी बार बोल सकते हो उतनी बार बोलो, जितनी बार आप बोलोगे ना उतनी बार आपके एग्जाम में याद करना आपके लिए इजी हो जाएगा. सो इट इज फॉर द पर्पस ऑफ व्हाट, असिस्टिंग रेगुलेटिंग कंट्रोलिंग फॉर द बिजनेस ऑफ बाइंग सेलिंग डीलिंग इन सिक्योरिटीज. तो इवेंचुअली ये मेन डेफिनेशन है, ये हो गया स्टॉक एक्सचेंज कैन बी इन द फॉर्म ऑफ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट. अब हम इस पर क्लिक करते हैं, मान लीजिए इमेजिन करो कि मुझे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के बारे में थोड़ा सा और कुछ पढ़ना है, मैंने क्लिक किया तो आया उसके बाद में वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, फॉर्म्ड बिफोर कॉर्पोरेटाइजेशन डीम्यूचुअलाइजेशन, क्योंकि उसके पहले तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के फॉर्म में भी स्टॉक एक्सचेंज चलता था, उसके बाद तो अलाउड ही नहीं है. एंड बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट वेदर अंडर अ स्कीम बाय कॉर्पोरेटाइजेशन डीम्यूचुअलाइजेशन और अदरवाइज. तो एकदम बेयर मिनिमम डेफिनेशन बोलूं तो ये डेफिनेशन हो जाती है. इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में जाना चाहते हैं, तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट फॉर्म्ड बिफोर कॉर्पोरेटाइजेशन डीम्यूचुअलाइजेशन, बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज एक्ट फॉर्म्ड अंडर कॉर्पोरेटाइजेशन डीम्यूचुअलाइजेशन और अदरवाइज. आर यू अंडरस्टैंडिंग, ईच एंड एवरी वर्ड हैज गॉट सम मीनिंग, तभी वो वहां पर आया. एकदम कंफर्टेबल है, और बाकी सर एकदम सिंपल लिखना है हमको, 2 मार्क्स के लिए डेफिनेशन आ गई. आप चाहे तो पूरी लिखें, चाहे तो सिर्फ इतना सा, स्टॉक इज मींस एनी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म फॉर द पर्पस ऑफ असिस्टिंग रेगुलेटिंग कंट्रोलिंग द बिजनेस ऑफ बाइंग सेलिंग डीलिंग इन सिक्योरिटीज. खत्म. वेरी कंफर्टेबल, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज. सर इतना बारीक क्यों जाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, सिक्योरिटीज लॉ इज द ओनली थ्योरी सब्जेक्ट जिसके अंदर आपके एग्जाम में भर भर के 2 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी आते हैं. जब आप पेपर देखेंगे बाकी जनरली 4 4 मार्क्स के आते हैं, सिक्योरिटीज लॉ में 2 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, और 2 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट शुड बी वेरी हैप्पी. वाई, बिकॉज दे आर द मोस्ट स्कोरिंग क्वेश्चन. आपको एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप लिखो, आपको 5 में से मिलने तो 3 ही है. इट्स अ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन. आपने सुना कभी किसी के 100 में से 100 आ गए? नहीं आते हैं. तो ऑन एन एवरेज आपको 5 में से मिलने 3 है 4 है 3 4 2, इसकी लड़ाई होती है. बट अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो यू विल गेट 2 on 2 अगर आपने ढंग से लिखा है तो. तो जितना कम मार्क्स का क्वेश्चन है उतना वो ज्यादा स्कोरिंग होने वाला है आपके लिए. और 2 मार्क्स के क्वेश्चन में डेफिनेशन आ गया, अपन ने ये लिख दी तो खत्म, बाद ना 2 on 2 ही मिलना है अपन को. एंड दैट इज वाई दी स्मॉल क्वेश्चंस मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंट स्कोरिंग इन द एग्जामिनेशन. वेरी इजी, हमने अभी तक कुछ नहीं किया, वी जस्ट रेड द डेफिनेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज. ओके, लेट्स सी एक दो और गरीब डेफिनेशन देखते हैं, बहुत छोटी छोटी डेफिनेशन से आगे. माय गुडनेस, आई डोंट नो व्हाई दे यूज इट. Recognized stock exchange, a stock exchange which is for the time being recognized by central government. कहने का मतलब है कोई भी stock exchange, 1956 के पहले इंडिया में मान लीजिए 3 stock exchange थे, वो सिर्फ stock exchange थे. Government एक law लेकर आया सीधा, Securities Contract Regulation Act 1956, उन्होंने बोल दिया only recognized stock exchange will be allowed to function in India. ध्यान से समझो क्या हुआ, 1956 के पहले इंडिया में लोगों ने अपना बिजनेस चला रखा था. अरे मतलब पहले स्टॉक एक्सचेंज इतने हैवी नहीं थे ना, इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं थे, लोगों ने स्टार्ट किया था. जैसे कि अभी OLX नहीं है, उस तरह से चल रहा है बिजनेस. OLX क्या कर रहा है, सेकेंड हैंड मार्केट को रेगुलेट कर रहा है. सही है कि जिस व्यक्ति को अपना सेकेंड हैंड प्रोडक्ट बेचना है और किसी व्यक्ति को सेकेंड हैंड प्रोडक्ट खरीदना है, क्विकर OLX उनको मिला ही तो रहे हैं. अरे तो स्टॉक एक्सचेंज भी तो यही कर रहा है, जिसको शेयर्स बेचने और जिसको शेयर्स खरीद रहे हैं उनको मिला रहे हैं. तो इन्होंने 1956 में बिजनेस स्टार्ट किया, फिर वो एकदम से बहुत जल्दी पॉपुलर हो गया बस. तो जैसे ही पॉपुलर हुआ 1956 के पहले का बिजनेस, 1956 में गवर्नमेंट ने रूल लाया, नहीं, ये सब स्टॉक एक्सचेंज बंद करो, ओनली रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज विल बी अलाउड टू वर्क इन इंडिया. फिर सवाल पूछा, व्हाट डू यू मीन बाय रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज? तो उन्होंने बोला कुछ नहीं, आपको अपने स्टॉक एक्सचेंज को गवर्नमेंट के पास जाके रजिस्टर करना होगा, और गवर्नमेंट एक बार आपको रजिस्टर करके रिकॉग्निशन दे देगा कि आप स्टॉक एक्सचेंज हैं, तब आपके स्टॉक एक्सचेंज को कहा जाएगा रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज. और तब जब हम रजिस्टर करने के लिए आते थे, वो हमें बोलते थे कि आपका स्टॉक एक्सचेंज किस फॉर्म में, हमने बोला कंपनी फॉर्म में तो नहीं है, तब वो बोलते थे कि कंपल्सरीली आपको करना होगा कंपनी फॉर्म में. तभी तो कॉर्पोरेटाइजेशन डीम्यूचुअलाइजेशन आया था. तो इसलिए तो दैट वॉज द एरा. तो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज का कंसेप्ट आया 1956 में. मतलब क्या, हर वो स्टॉक एक्सचेंज जो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है, दैट इज रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज. व्हाट इज रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज? रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज मींस अ स्टॉक एक्सचेंज विच इज
फॉर द टाइम बींग रिकोगनाइज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. जिस जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट रिकोगनाइज किया है, दैट इज रिकोगनाइज स्टॉक एक्सचेंज, एग्जाम में नहीं आ सकता है. नेक्स्ट इज गवर्नमेंट सिक्योरिटी. मैं कह रहा हूँ बीकॉम के लॉजिक से भी लिखने की कोशिश करेंगे तो लिख पाएंगे. गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होगा, क्या उसे इंडिया के बाहर की सिक्योरिटी नहीं होगा ना. गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होगा, दिमाग में क्या आता है, अ सिक्योरिटी इशूड बाय गवर्नमेंट, वही है. गवर्नमेंट सिक्योरिटी मीन्स अ सिक्योरिटी क्रिएटेड एंड इशूड वेदर बिफोर और आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, भले इस एक्ट के पहले भले इस एक्ट के बाद में, इरेलेवेंट, बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और अ स्टेट गवर्नमेंट फॉर द पर्पज ऑफ रेजिंग अ पब्लिक लोन. तो कुछ नहीं है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी मतलब सिक्योरिटी क्रिएटेड एंड इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट. सिक्योरिटी क्रिएटेड एंड इशूड बाय स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द पर्पज ऑफ रेजिंग अ पब्लिक लोन. अब गवर्नमेंट तो सिक्योरिटी लोन लेने के लिए करती है ना, गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू करेगी. आपने सिक्योरिटी खरीदी तो गवर्नमेंट को लोन मिल गया, गवर्नमेंट के पास पैसा आ चुका है. अरे आप देखते हैं गवर्नमेंट कभी कभी ऐसे बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च करती है जिसके अंदर आप अपना पैसा आज जमा कराइए, 3 साल बाद आपको इतना पैसा मिलेगा. तो गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत है तो हम पैसा गवर्नमेंट को देते हैं, तो दैट इज गवर्नमेंट सिक्योरिटी. अ सिक्योरिटी क्रिएटेड एंड इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट. इससे ईजी कुछ नहीं हो सकता. अभी तो द वर्ड इज इटसेल्फ सेइंग ना, मैं क्या हूं, मैं हूं गवर्नमेंट सिक्योरिटी. सिक्योरिटी क्रिएटेड एंड इशूड बाय गवर्नमेंट, ईजी, फॉर द पर्पज ऑफ रेजिंग अ पब्लिक लोन. सो इट्स ईजी. ध्यान रखना, इट इज ऑल्सो नोन एज गिल्ट एजेड सिक्योरिटी. ये आपको ध्यान रखना है. एग्जाम में अगर कभी आ जाएगा गिल्ट एजेड सिक्योरिटी क्या है तो आप गलत कर सकते हैं उसको. तो ध्यान रखना है, गिल्ट एजेड सिक्योरिटी इज नथिंग बट अनदर नेम ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी. गवर्नमेंट सिक्योरिटी कोई गलत नहीं करेगा, गिल्ट एजेड सिक्योरिटी गलत कर सकते हैं. एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए आया हुआ है ओल्ड सिलेबस के अंदर क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन गिल्ट एजेड सिक्योरिटी. इतना सा लिखना था, अ सिक्योरिटी इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट फॉर द पर्पज ऑफ रेजिंग पब्लिक लोन, खत्म. गिल्ट एजेड सिक्योरिटी, वेरी इजी, वेरी इजी. अब एक ऐसी चीज आती है एकदम परे है, मतलब विश्वास मानो ये जो इसमें लिखा है ना, ये एक अलग दुनिया, मतलब एक अलग लेवल की चीजें लिखी हुई है. फॉर आस इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दिस. डेरिवेटिव समझना इतना आसान नहीं है क्योंकि डेरिवेटिव के लिए जो बैकएंड में पता होना चाहिए हमें चीजें, दैट इज टू यूज, दैट इज टू यूज. लेट्स ट्राई, हमारे लिए तो इसी एक डेफिनेशन है, लेट्स ट्राई कि एक बार डेरिवेटिव को समझ के देखते हैं. हमारे सिलेबस में काम नहीं आएगा वो शायद, हमारे सिलेबस में डेफिनेशन है, वो तो मैं याद भी करा सकता हूँ, लेकिन बस समझ के देखते हैं कि डेरिवेटिव क्या होता है. हल्का सा मैंने कल इंट्रोड्यूस किया था, उसी को आज कंटिन्यू करूंगा एंड देयर आफ्टर इस डेफिनेशन पाएंगे. एकदम शांति समझेंगे, कहीं ना कहीं काम आएगा. पार्ट बी के अंदर डेरिवेटिव है सिलेबस के अंदर, तो पार्ट बी के टाइम पे मैं वापस वैसे भी पढ़ाने वाला हूं. चलो एकदम शांति से. एज द नेम सजेस्ट, संभालो, डेरिवेटिव, एकदम शांति से. एज द नेम सजेस्ट, डेरिवेटिव एन इंस्ट्रूमेंट, डेरिवेटिव रिफर्स टू एन इंस्ट्रूमेंट विच डज नॉट हैव एनी वैल्यू of its own. It derives its own value from the value of underlying security. अंडरलाइंग सिक्योरिटी कर देते हैं बेटर. एकदम शांति से समझो, एकदम इजी टू गो. व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड डेरिवेटिव? सर कुछ लिखा तो है बट मजा नहीं आ रहा. एग्जाम्पल लेते हैं, गोल्ड बॉन्ड. ठीक है, एकदम शांति से समझना. गोल्ड बॉन्ड, आज मैं आपको कहता हूं, Do you people want to invest in gold? एकदम आराम से. You say yes, yes sir, of course. We believe in next 2 years the gold prices are going to go very high. मैंने कहा then why do not you invest? Then you say अरे सर क्या gold में basic भी investment करना है तो कम से कम 1 तोला तो लेना पड़ेगा. तो कम से कम भी वो मान लेते हैं, example ले रहा हूँ, आज की price 30,000 rupees है per तोला. Per तोला मतलब per 10 grams. सबको पता है per 10 gram. तो current price is 30,000 rupees per 10 grams and you're saying कि सर
इफ एट ऑल वी वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन गोल्ड वी नीड एटलीस्ट बेरे मिनिमम 30,000 ना यार. अब वो 5 ग्राम वगैरह कहाँ लेने जाएंगे इन्वेस्टमेंट में, इन्वेस्टमेंट के लिए हमें ऑप्शन नहीं मिलते. तो कम से कम 30,000 का इन्वेस्टमेंट चाहिए. आई गिव यू एन ऑप्शन, यू कैन इवन इन्वेस्ट 1,000 रुपीज. आप कहते हो हाँ सर 1,000 रुपीज गोल्ड में पक्का इन्वेस्ट करना चाहता हूँ. व्हाट आई गिव यू एन ऑप्शन, अंडरस्टैंड केयरफुली. आई से आई विल बी इश्यूइंग यू अ गोल्ड बॉन्ड टुडे जिसका टेन्योर रहेगा 2 ईयर्स. अंडरस्टैंड केयरफुली, मैंने आज आपको गोल्ड बॉन्ड इशू किया जिसका टेन्योर रहेगा 2 ईयर्स, 1 ईयर 2 ईयर. आज आपने मुझे दे दिए 1,000 रुपीज. आज गोल्ड की प्राइस थी 30,000 रुपीज पर 10 ग्राम्स. आज गोल्ड की प्राइस थी 30,000 रुपीज पर 10 ग्राम्स. आज मैंने आपसे 1,000 रुपए ले लिए और बदले में मैंने आपको दे दिया एक पेपर पे गोल्ड बॉन्ड, पेपर पे गोल्ड बॉन्ड, गोल्ड सर्टिफिकेट मैंने आपको दे दिया. मैंने कहा इसका टेन्योर है 2 ईयर्स. ओके, 2 साल बाद आप मेरे पास जब पैसे लेने आओगे आपको कितने पैसे मिलेंगे ये डिपेंड करता है कि तब गोल्ड का प्राइस कितना होगा, तब गोल्ड का प्राइस कितना होगा. मान लीजिए आज आपने 1,000 रुपीज इन्वेस्ट कर दिए एंड गोल्ड का प्राइस था 30,000 रुपीज पर ग्राम, पर 10 ग्राम्स, पर तोला. 2 साल बाद ऐसे ही इमेजिन कर रहे हैं गोल्ड का प्राइस हो गया है 60,000 रुपीज पर 10 ग्राम्स. आप मेरे पास आओगे वो गोल्ड बॉन्ड लेके, मुझे आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे पता है? 2,000 रुपीज. सर ये 1,000 के 2,000 कैसे हो गए? बिकॉज आपने कहां इन्वेस्ट किया था? गोल्ड बॉन्ड में. गोल्ड बॉन्ड के अंदर आपका रिटर्न डिपेंड करता है गोल्ड के प्राइस पे, कि अगर गोल्ड के प्राइस बढ़ गए तो आपका रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा. अरे यहां पे दूसरा केस भी तो हो सकता था. मान लो 2 साल बाद, मान लो 2 साल बाद गोल्ड के प्राइस हो गए हैं 15,000. सर ऐसा हो ही नहीं सकता. अरे हम कंसेप्ट समझ रहे हैं ना अभी. गोल्ड के प्राइस हो गए 15,000 रुपीज, अब मैं आपको कितना पैसा दूंगा वापस? 500 रुपीज. समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? अरे गोल्ड के प्राइस आधे हो गए तो मेरा इन्वेस्टमेंट भी आधा. अब ये तो मैं कैलकुलेशन इजी रख रहा हूं. हो सकता है आप मान लो गोल्ड के प्राइस 30,000 से, लॉजिकल बात करते हैं, 35,000 हो गए. ये तो लॉजिकल है, 2 साल में 30,000, 35,000 हो गए तो कितना पैसा मिलेगा? तो अपन बैठ के कैलकुलेट करेंगे कि ये कितना परसेंट इंक्रीज है, उतना ही परसेंट पैसा आपको मिल जाएगा. जो भी परसेंट इंक्रीज होगा अपन बैठ के कैलकुलेट नहीं करते बैठेंगे अभी. मान लीजिए कितना हो रहा है, 5,000 on 30,000, इट इज समवेयर अराउंड 5,000 over 30,000, तो इट इज 1/6. 1/6 इज समवेयर अराउंड कुछ 22% के आसपास का ग्रोथ निकल रहा है मान लीजिए. तो जो भी ग्रोथ का परसेंटेज निकल, 17% के आसपास का ग्रोथ निकल रहा है, तो 17% का जो ग्रोथ है वो आपको 1,000 रुपए के ऊपर मिल जाएगा आपका ग्रोथ का अमाउंट. आर यू अंडरस्टैंडिंग क्या हो रहा है? तो यहाँ पे आपको 1,000 रुपए प्लस थोड़े और एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे जितना ग्रोथ हुआ है. दिस इज नोन एज अ गोल्ड बॉन्ड. दिस इज नोन एज अ गोल्ड बॉन्ड. मतलब मुझे एक बात बताओ, ये जो पीस ऑफ पेपर मैंने आपको दिया गोल्ड बॉन्ड, इसका कोई वैल्यू है क्या खुद का? इस पेपर का वैल्यू अगर आपको डिटरमिन करना है तो आपको किसको वैल्यू देखना पड़ता है? गोल्ड का. अगर आपको इस गोल्ड बॉन्ड का वैल्यू डिटरमिन करना है तो आपको देखना होता है वैल्यू ऑफ द गोल्ड. अरे भैया बता दो गोल्ड का वैल्यू कितना है? ओके, गोल्ड का वैल्यू 60,000 है तो इसका वैल्यू 2,000 है. गोल्ड का वैल्यू 15,000 है, इसका वैल्यू 500 रुपीज है. हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है इसका खुद का कोई वजूद नहीं है, ये अपनी वैल्यू डिराइव करता है फ्रॉम द वैल्यू ऑफ इट्स अंडरलाइंग सिक्योरिटी. जिस तरह से गोल्ड बॉन्ड आते हैं उसी तरह से मार्केट में सिल्वर बॉन्ड आते हैं, उसी तरह से मार्केट में पेट्रो बॉन्ड भी आते हैं. ऐसे मार्केट में बहुत प्रकार के बॉन्ड आते हैं. ये सब हमारे सिलेबस में गोल्ड सिल्वर पेट्रो नहीं है. हमारे सिलेबस में सिर्फ शेयर्स की ट्रेडिंग है, हमारे सिलेबस में सिर्फ शेयर्स की ट्रेडिंग है. बाकी ये सब चलता है MCX, अगर आपने सुना होगा तो. MCX के ऊपर कमोडिटी ट्रेडिंग चलती है एकदम दबा के, पूरा सट्टा. दिस इज प्योरली सट्टा, यहाँ पे आप कुछ ज्यादा कर नहीं, दिस इज प्योरली सट्टा. माय पॉइंट is I am trying to make sure that you understand the word derivative. Derivative refers to an instrument which does not have any value of its own. It derives its value from the value of underlying asset. एक underlying asset, एक underlying security की value. Gold की value बढ़ी, gold bond भी बढ़ेगा. Gold की value कम हुई, gold bond भी गिरेगा. थोड़ा सा समझ में आया?
अब मैं और डिफिकल्ट कर रहा हूँ, एकदम आराम से और डिफिकल्ट करें, हमारे सिलेबस के बाहर आके पढ़ रहे हैं, वैसे भी अभी ये जो पढ़ रहे हैं सिलेबस के बाहर है, पार्ट बी में आएगा तब अच्छे से पढ़ेंगे। चलो अब मैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट वो बता रहा हूँ जो हमारे लिए काम का हो सकता है, ये तो गोल्ड पे था, ध्यान से अगर आप थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे समझ में आएगा, वरना थोड़ा सा लेवल अप है, थोड़ा सा मुश्किल पार्ट है, नहीं भी समझा तो फर्क नहीं पड़ता, हमारे सिलेबस से डायरेक्टली रेलेवेंट नहीं है ये पार्ट ए के सिलेबस से। मिस्टर ए और मिस्टर बी आज कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, दे एंटर इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट दैट मिस्टर बी विल सेल 100 शेयर्स ऑफ रिलायंस लिमिटेड टू मिस्टर ए ऑन 1st December 2019 एट 1200 रुपीज पर शेयर। समझ में आ रहा है क्या हुआ? मिस्टर बी इज बायर और सेलर? सेलर। मिस्टर ए इज द बायर। अंडरस्टैंड केयरफुली, मिस्टर बी ने मिस्टर ए को कहा दैट आई विल सेल यू 100 शेयर्स ऑफ रिलायंस एट द प्राइस ऑफ 1200 रुपीज पर शेयर, बट वेन ऑन 1st December। आज क्या चल रहा है हमारा, मान लीजिए आज एग्जाम्पल ले लो, आज चल रहा है हमारा जून, आज चल रहा है जून 2019 और 1st December 2019 के दिन वो बोल रहा है कि वो मुझे बेचेगा, वो बोल रहा है कि वो मुझे बेचेगा। ओके फाइन, चलो ठीक है। सच कॉन्ट्रैक्ट इज इट अ डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट, इज इट अ स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट? स्पॉट अभी पढ़कर है ना, इट इज अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। अंडरस्टैंड केयरफुली, कल बात की थी ये एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है जहां पे दोनों लोग क्या करते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, ये कॉन्ट्रैक्ट मिस्टर ए के पास है, ये कॉन्ट्रैक्ट मिस्टर बी के पास है, मिस्टर बी हैज अ राइट टू सेल। नाउ इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि मिस्टर बी 100 शेयर्स बेचेगा, 100 शेयर्स बेचेगा एट 1200 रुपीज पर शेयर। मिस्टर ए क्या लिखा है, मिस्टर ए 100 शेयर्स बाय करेगा एट द रेट ऑफ 1200 पर शेयर। समझ में आ रहा है कॉन्ट्रैक्ट? तो अगर मैं मिस्टर ए हूं, मेरे पास एक पेपर है, उस पेपर पे क्या लिखा हुआ है कि मैं 1st December को 1200 रुपए पर शेयर देकर 100 शेयर खरीदने वाला हूं, और मैं मिस्टर बी हूं तो मेरे पास एक कॉन्ट्रैक्ट है उस पे लिखा है कि मैं 1st December को 1200 रुपए पर शेयर लेकर और 100 शेयर देने वाला हूं। यहां तक सब लोग मेरे साथ में है क्या? वॉट इज दिस कॉन्ट्रैक्ट? अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली, दिस कॉन्ट्रैक्ट इज अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। सर हाउ? एकदम आराम से, वेरी केयरफुली अंडरस्टैंड, मैं मिस्टर ए हूं, मैं 1st December को बाय करने वाला हूं। अब अभी जून चल रहा है, जून जुलाई, जुलाई में रिलायंस के शेयर की जो प्राइस है ना वो बढ़ गई, बढ़ के 1300 हो गई। मैं खुश होऊंगा दुखी होऊंगा? खुश होऊंगा ना, भले ही मार्केट प्राइस 1300 हो रही है, मेरे पास तो कितने में खरीदने का राइट है, 1200। और मार्केट प्राइस बढ़ रही है, मैं 1200 में लेके 1300 में बेच दूंगा, मेरा तो प्रॉफिट हो रहा है ना, आई विल बी हैप्पी। मिस्टर बी वुड बी हैप्पी और सैड? सैड, बिकॉज ही विल बी सेलिंग एट 1200 और मार्केट प्राइस कितना है, 1300। ओके, सो टुडे, टुडे मतलब इन द मंथ ऑफ जुलाई, इफ मिस्टर ए वॉन्ट्स टू सेल दिस कॉन्ट्रैक्ट, मिस्टर ए हैज अ कॉन्ट्रैक्ट टू बाय 100 शेयर्स, राइट? उसके पास एक कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट है टू बाय 100 शेयर्स ऑफ रिलायंस एट 1200 एंड द मार्केट प्राइस इज 1300। एकदम आराम से समझना, यहां पर आता है एक मिस्टर एम, मिस्टर ए मिस्टर एम को बोलता है वो रिलायंस के शेयर नहीं बेच रहा है, वो रिलायंस के शेयर नहीं बेच रहा है, वो क्या बेच रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेच रहा है। मिस्टर ए मिस्टर एम को बोलता है मेरे पास एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर मैं 100 शेयर खरीद सकता हूं, कितने में, 1200 में, अभी करंट प्राइस कितनी है, 1300 रुपए, ये कॉन्ट्रैक्ट खरीदना है क्या? अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। अब मिस्टर एम सोच रहा है कॉन्ट्रैक्ट खरीदूं क्या, यार ये कॉन्ट्रैक्ट में 100 रुपए पर शेयर का प्रॉफिट है, बिल्कुल सही है, लेकिन भरोसा भी तो, रिस्क भी तो है, क्या पता मार्केट प्राइस फ्लक्चुएट होते रहेंगे होते रहेंगे होते रहेंगे, एक काम करता हूं 50 रुपए पर कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से बेच रहा है क्या? अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली, मिस्टर एम क्या बोल रहा है, आई एम रेडी टू पे यू 50 रुपीज पर शेयर, 50 रुपीज पर शेयर मैं आपको देने को तैयार हूं, 50 रुपीज पर शेयर, तो आपके 100 शेयर खरीदने का राइट है, ये राइट मुझे दे दो, प्रपोज प्रॉफिट 100 रुपीज पर शेयर का है, ये समझ रहे हैं? लेकिन आज रिस्क भी तो है थोड़ी सी,
तो मिस्टर एम बोलता है कि मैं आज आपको 50 रुपीज पर शेयर देने को रेडी हूं, आप ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे दे दो। 100 शेयर का कॉन्ट्रैक्ट है, ये 100 शेयर का कॉन्ट्रैक्ट मुझे दे दो, 15 × 100 ये मेरे पास है, मैं 1200 में बाय करूंगा 20। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ठीक है, अब क्या हुआ, मिस्टर ए ने बोला कि नहीं नहीं मुझे नहीं बेचना, रुको मैं सोच के बताता हूँ, मुझे नहीं बेचना। उसी बीच मार्केट प्राइस 1300 की जगह हो गई नाउ 1500, एकदम आराम से। आपको लगता है कि ये 50 रुपीज से भी बढ़ना चाहिए? अब मार्केट प्राइस हो गई 1500, कॉन्ट्रैक्ट के तहत मिस्टर ए कितने में खरीद सकता है? 1200। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट पहले 50 रुपीज पर शेयर में खरीद रहा था, अब ये कॉन्ट्रैक्ट की भी तो वैल्यू बढ़ेगी। अब मिस्टर ए बोलेगा ना, भाई सुनो अब मार्केट प्राइस कितनी है? 1500। वाई वुड आई सेल यू एट 50 रुपीज पर शेयर? आई हैव अ पोटेंशियल प्रॉफिट ऑफ 300 रुपीज नाउ ना पर शेयर। आई हैव अ पोटेंशियल प्रॉफिट ऑफ 300 रुपीज पर शेयर, वाई डू आई सेल यू एट 50 रुपीज पर शेयर नाउ? इफ एट ऑल यू वॉन्ट टू बाय, यू हैव टू पे मी 250 रुपीज पर शेयर राइट नाउ। इज दिस 250 रुपीज पेड टू बाय द शेयर ऑफ रिलायंस राइट नाउ? दिस इज पेड टू बाय द कॉन्ट्रैक्ट। आज मैंने 250 रुपए में कॉन्ट्रैक्ट खरीद लिया, अब 1 दिसंबर के दिन मैं वो कॉन्ट्रैक्ट दिखा के खरीद सकता हूं शेयर्स एट व्हाट प्राइस? 1200। बिकॉज शेयर उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या लिखा है कि मैं शेयर कितने में ले सकता हूं? 1200। सर ये बहुत डिफिकल्ट हो रहा है हमारे लिए। अरे एकदम आराम से संभालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम वैसे भी लेवल के ऊपर जा रहे हैं ना। हमारा एट दी एंड समरी क्या होना चाहिए कि हर चीज जो मॉड्यूल में लिखी है, बुक में लिखी है, वो हमें समझ में आनी चाहिए। तो हम अगर एवरीथिंग वी रीड एंड देयर आफ्टर वी गो, फिर तो हमें एकदम चिलर इजी लगेगा, एकदम आराम से, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो एकदम कंफर्टेबली, दिस इज हाउ अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट फंक्शंस। नाउ व्हाई डू आई कॉल दिस कॉन्ट्रैक्ट, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, व्हाई डू आई कॉल दिस कॉन्ट्रैक्ट अ डेरिवेटिव? इस कॉन्ट्रैक्ट का खुद का कुछ वजूद है क्या? इसकी प्राइस बढ़ती कम होती किसके हिसाब से? रिलायंस के शेयर के प्राइस के हिसाब से। और पूछते हैं, मान लो एकदम से अभी तक बेचा नहीं है, ए और एम नेगोशिएट ही कर रहे हैं, एकदम से शेयर प्राइस गिरकर हो गई 1100 रुपए, एकदम से शेयर प्राइस गिरकर क्या हो गई 1100 रुपए, अब कौन खुश हो रहा है? मिस्टर बी, बिकॉज मिस्टर ए हैज अ कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच ही हैव टू बाय द शेयर एट व्हाट प्राइस? 1200। मार्केट प्राइस इज व्हाट? 1100, और उसको 1200 रुपए देने पड़ेंगे। अब ये कॉन्ट्रैक्ट कोई खरीदेगा क्या? सर एकदम से अभी इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 250 रुपए थी, कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू, शेयर नहीं कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू, और एकदम से द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू हैज फॉलन डाउन। व्हाई? बिकॉज दिस कॉन्ट्रैक्ट इज अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट हैव एनी वैल्यू ऑफ इट्स ओन, उसका खुद का कोई वजूद ही नहीं है। द वैल्यू ऑफ अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ अंडरलाइंग असेट। अंडरलाइंग असेट कीप ऑन चेंजिंग। अब गोल्ड बॉन्ड में अंडरलाइंग असेट गोल्ड था, सिल्वर बॉन्ड में अंडरलाइंग असेट सिल्वर होगा, पेट्रोल बॉन्ड में अंडरलाइंग असेट पेट्रोल होगा, हर एक जगह अंडरलाइंग असेट चेंज होता रहेगा, लेकिन हमेशा डेरिवेटिव की वैल्यू वुड बी डिराइव्ड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ अंडरलाइंग असेट। इस केस में अंडरलाइंग असेट था रिलायंस का शेयर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? कंफर्टेबल है? यस। और बिल्कुल बिल्कुल, एक बार एग्जांपल लेते हैं एकदम आराम से। एनीवेज ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूं, ऐसे ही बता रहा हूं, अब एकदम शांति से चलो, जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड। और कुछ एग्जांपल लेते हैं, ये है हल्दीराम। हल्दीराम हम सबको पता है, एकदम आराम से नमकीन नमकीन भी बनाता है, मिठाई भी बनाता है, हल्दीराम के रेस्टोरेंट्स भी है, हल्दीराम का नागपुर में तो एक वाटर पार्क भी है, तो हल्दीराम बहुत कुछ करता है। बट हमें ये पता है भाई साहब, हल्दीराम मिठाई और नमकीन तो बनाता है, ठीक है सर। हल्दीराम इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ नमकीन स्नैक्स आइटम, मतलब आप कहीं भी चले जाएं अब्रॉड में हल्दीराम मिल जाएगा। ओके, हल्दीराम ने क्या किया, एक शुगर मिल वाले के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करके रख लिया। हल्दीराम को खरीदना है मान लीजिए 1000 kg ऑफ शुगर, ऐसे 1000 kg ऑफ शुगर खरीदना है। हल्दीराम एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ शुगर मिल ओनर ऑन व्हाट डेट? 1/1/2020। 1/1/2020 के दिन कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया दैट हल्दीराम विल पे 30 रुपीज पर केजी एंड शुगर मिल ओनर विल गिव 1000 kg शुगर ऑन से 1 June 2020। समझ में आ रहा है क्या हुआ? हल्दीराम ने शुगर मिल ओनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि भाई साहब मैं 1000 किलो शुगर खरीदूंगा, रेट फिक्स कर लो। रेट फिक्स कर ली
₹30 पर किलो के, ₹30 पर केजी की रेट फिक्स हो गई है। लेकिन मैं आपको पैसे कब दूंगा और आपसे शुगर कब लूंगा? 1 जून 2020 कॉन्ट्रैक्ट कर लिया 1 जनवरी 2020 के दिन। अब क्या हुआ, ये मैं हूँ फेब्रवरी के मंथ में, हल्दीराम इज थिंकिंग नाउ दैट यार आई डोंट वांट टू कीप दिस कॉन्ट्रैक्ट विद मी, आई वांट टू सेल दिस कॉन्ट्रैक्ट। सेल व्हाट? नॉट द शुगर, द राइट टू बाय शुगर। अभी हल्दीराम के पास शुगर है क्या फेब्रवरी के मंथ में? नहीं। अभी हल्दीराम के पास सिर्फ क्या, एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें उसका 1000 kg शुगर खरीदने का राइट है एट ₹30। अभी क्या हो गया, मार्केट में शुगर चल रही है सर्ज पे, एक्स्ट्रा प्राइस पे। शुगर की मार्केट प्राइस चल रही है ₹40 पर केजी। हल्दीराम कॉन्ट्रैक्ट बहुत आराम से बेच सकता है ना, क्योंकि हल्दीराम के पास कितने में खरीदने का राइट है? ₹30 में। और तो और वो कॉन्ट्रैक्ट बेच रहे हैं, सामने वाले से पैसे भी लेगा, बोलेगा सुन अभी आप अगर मार्केट में खरीदोगे ₹40 का मिल रही है, ₹30 में खरीदने का राइट दे रहा हूँ, ₹5 मुझे और दो आप ये खरीदने के, ताकि आपको ₹35 की पड़ेगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आपको 35 की पड़ेगी, आप ₹5 मुझे दो, ₹30 में खरीद लेना। हल्दीराम ऑल्सो विन, दैट पर्सन ऑल्सो विन। ओके फाइन, शुगर की प्राइस बढ़कर हो गई ₹50 की। हल्दीराम उस कॉन्ट्रैक्ट के और पैसे मांग सकता है ना, मैं कॉन्ट्रैक्ट आपको बेच रहा हूँ ₹30 में आपको शुगर मिल जाएगी, आप ₹15 मुझे दो इस कॉन्ट्रैक्ट के। और ये हो गई 60 की, 25। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आई एम नॉट सेइंग कि एग्जैक्ट प्राइस क्या रहेगा, बट द प्राइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, प्राइस ऑफ द शुगर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट व्हेन द प्राइस ऑफ शुगर विल इंक्रीज, बिकॉज दिस कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल्सो अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। हर वो कॉन्ट्रैक्ट जिसका खुद का कोई वजूद नहीं है उस कॉन्ट्रैक्ट को कहा जाता है एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। अ कॉन्ट्रैक्ट विच डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम द वैल्यू ऑफ अंडरलाइंग असेट इज अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। चलो छोड़ दो सर, ये सब क्यों चल रहा था, ऐसे ही कोई मतलब नहीं है। अब हम आते हैं हमारे मॉड्यूल में, क्या है हमारे मॉड्यूल में, इतनी सी बात की है कि डेरिवेटिव की डेफिनेशन। चलो, अ डेरिवेटिव इंक्लूड्स, आप जब भी कोई डेफिनेशन देखेंगे दो प्रकार की डेफिनेशन मिल जाएगी आपको, एक मिलती है एक्स वाई जी मीन्स और एक होता है एक्स वाई जी इंक्लूड्स। जब भी मीन्स वाली डेफिनेशन होगी मतलब वो आपको कुछ समझाएंगे, और जब भी इंक्लूड्स वाले डेफिनेशन होगी बस वो चार पांच चीजें इंक्लूड करके चले जाएंगे कि ये सब भी होता है डेरिवेटिव। तो यहां पे डेफिनेशन दी है इंक्लूड्स वाली। ओके, तो हमें एग्जाम में आता है तो हमें ये ए बी सी डी पॉइंट लिखने हैं, और उसमें भी ए बी सी लिखना है, डी तो कोई पॉइंट ही नहीं है। तो ए बी सी तीन पॉइंट याद करने हैं और तीन पॉइंट लिखने अगर एग्जाम में डेरिवेटिव की डेफिनेशन आ जाती है तो एकदम ईजी। व्हाट मीन बाय डेरिवेटिव? अ डेरिवेटिव इंक्लूड्स अ सिक्योरिटी डिराइव्ड फ्रॉम अ डेट इंस्ट्रूमेंट, शेयर, लोन। एकदम स्लोरी स्लोरी। अ सिक्योरिटी विच इज डिराइव्ड फ्रॉम ईदर अ डेट इंस्ट्रूमेंट, अ शेयर और अ लोन, वेदर इट इज सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। कोई भी चीज के लिए अगर उन्होंने दोनों बात बोल दी ना, वेदर सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, वेदर दिस अदरवाइज, तो वो इरेलीवेंट हो जाता है, बिकॉज वो सिक्योर्ड होगा तो भी यहां कवर होगा, वो अनसिक्योर्ड होगा तो भी यहां कवर होगा। वेदर इट इज अ रिस्क इंस्ट्रूमेंट और कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंसेस, रिस्क इंस्ट्रूमेंट कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंसेस, बहुत सारे डिटेल कंसेप्ट है। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंसेस? अंडरस्टैंड केयरफुली, वो भी बता रहा हूँ, अब आपको समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, बाकी वो भी आपके लिए रेलेवेंट नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंसेस में क्या होता है, आपको याद है मैंने ए और बी का कॉन्ट्रैक्ट बताया था अभी रिलायंस का, ए वॉज द बायर बी वॉज द सेलर, ए के पास कितने में खरीदने का राइट था? ₹1200 पर शेयर, कितने शेयर्स पे था? 100 शेयर्स। कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स को कहा जाता है कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंसेस, उसका मतलब क्या होता है, जब ड्यू डेट आएगी ना, ड्यू डेट थी मान लीजिए 1 जून, 1 जून को ऐसा नहीं होगा कि ए बी को ₹1200 इंटू 100 देगा और बी ए को 100 शेयर्स देगा, दे विल जस्ट एडजस्ट द डिफरेंस। मतलब समझो प्रैक्टिकली, मान लीजिए उस दिन शेयर की प्राइस है 1250, शेयर की प्राइस है 1250, मुझे बताओ खुश कौन है, ए या बी? एक खुश है ना, बिकॉज 1250 का शेयर उसको कितने मिल रहा है? 1200 में। तो यहां पे क्या होगा, वो 1200 में शेयर लेगा और 1250 में मार्केट में बेचेगा, उसने कितने कमाए? ₹50। सही है। बी क्या करेगा, बी को मार्केट से खरीदना है शेयर, तो बी मार्केट में 1250 से शेयर खरीदेगा और ए को कितने में बेचेगा? 1200 में। क्यों? क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है ना, उसके पास चॉइस नहीं है, 1250 में खरीदेगा और 1200 में बेचेगा। बी का कितने का लॉस हो रहा है? ₹50 पर शेयर। ए का कितने का प्रॉफिट हो रहा है? ₹50 पर शेयर। तो देर आर कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर टर्म्ड एज कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंसेस, उसके अंदर ये दोनों ऐसा खरीदते बेचते नहीं है, सीधा बी ए को कितना भी दे देता है? ₹50 पर शेयर। कोई एक्चुअल शेयर्स वो एक्सचेंज करते नहीं है, सीधे ₹50 पर शेयर दिया, हिसाब खत्म, क्योंकि एट द एंड तो वही होने वाला है,
तो फिर दो तीन जगह पे ब्रोकरेज लगा के क्या फायदा, सीधा जो आपका नेट प्रॉफिट है वो दे दिया जाता है। आप आगे आपने सुना होगा निफ्टी और सेंसेक्स, निफ्टी और सेंसेक्स, निफ्टी और सेंसेक्स में आप जब भी ट्रेडिंग करते हैं इट इज ऑलवेज कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंसेस। आज मैंने निफ्टी खरीद लिया, निफ्टी और सेंसेक्स, निफ्टी चल रहा है मान लीजिए कुछ 10-11 हज़ार के आसपास, सेंसेक्स चल रहा है कुछ 30 हज़ार के आसपास, मैंने आज सेंसेक्स खरीदा 30 में, दो दिन बाद सेंसेक्स बेचा मैंने 32 में, तो एट दी एंड ऐसा कुछ नहीं होता है कि सेंसेक्स मैंने खरीद लिया मेरे डीमैट अकाउंट में सेंसेक्स आ जाता है। इट इज ऑलवेज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंसेस, कि जो डिफरेंस है सीधा वो मेरे पास आ जाएगा या मेरे अकाउंट से लेस हो जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंसेस में आपका शेयर कभी भी आपका नहीं होता, वो आपके डीमैट अकाउंट में कभी आता ही नहीं है, सिर्फ जो प्रॉफिट या लॉस है वो एडजस्ट हो जाता है, और इसी को कहा जाता है सट्टा। दिस इज प्योरली सट्टा, क्योंकि आप शेयर कभी खरीद ही नहीं रहे, सीधा जो डिफरेंस अमाउंट है वो हमारे पास आ रहा है। सर ये बहुत हैवी जा रहा है, ओके 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 लेट इट गो। हम वापस आ रहे हैं ऑन द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या कह रही है, डेरिवेटिव रिफर्स टू अ सिक्योरिटी डिराइव्ड फ्रॉम अ ईदर अ डेट इंस्ट्रूमेंट और अ शेयर और अ लोन, फ्रॉम अ डेट इंस्ट्रूमेंट, शेयर और अ लोन। नाउ वेदर इट इज सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड इरेलेवेंट, वेदर इट इज अ रिस्क इंस्ट्रूमेंट और अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस। रिस्क इंस्ट्रूमेंट मतलब मैं मेरे पास लेके रखूंगा, मैं देखूंगा मुझे क्या करना है। कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंसेज मतलब मैं अभी उसको सेट ऑफ करके खत्म करना चाह रहा हूँ, सीधा प्रॉफिट दे दो। वेदर इट इज अ रिस्क इंस्ट्रूमेंट और कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंसेज और एनी अदर फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी, एकदम आराम से सिर्फ ये रेलेवेंट पार्ट है, कोई अंडरलाइन कुछ ना करना। आपको लिखना है एग्जाम में तो पूरा भी लिखना है, ठीक है, याद इतना सा रखना है। व्हाट डू यू मीन बाय अ डेरिवेटिव, डेरिवेटिव इंक्लूड्स अ सिक्योरिटी डिराइव्ड फ्रॉम अ डेट इंस्ट्रूमेंट, शेयर और लोन, मतलब एक ऐसी सिक्योरिटी जिसका अंडरलाइंग असेट क्या होगा, डेट इंस्ट्रूमेंट, शेयर या फिर एक लोन होगा। ओके, नहीं सर ये बहुत डिफिकल्ट है, ओके नेक्स्ट। बी अ कॉन्ट्रैक्ट which derives its value from the price or index of prices of underlying security, matlab a contract which derives its value from the value of underlying security, from the price or index of prices ka matlab hota hai value, price or index of prices ka matlab ho gaya value, a contract which derives its value from the value of underlying security, yahi to hum kab se padh rahe the kya। What do you mean by derivative? एक ऐसा contract जिसकी खुद का कोई वजूद नहीं है, it derives its value from the value of underlying security can be anything, it keeps on changing। Okay, okay sir, थोड़ा थोड़ा समझ रहा है, थोड़ा थोड़ा नहीं समझ रहा है। सी पॉइंट, अ कमोडिटी डेरिवेटिव। कमोडिटी डेरिवेटिव का परफेक्ट एग्जाम्पल गोल्ड बॉन्ड, सिल्वर बॉन्ड, एक ऐसा डेरिवेटिव जिसके अंदर अंडरलाइंग असेट क्या होगा, एक कमोडिटी, कमोडिटी ये सब गोल्ड सिल्वर पेट्रो वगैरह, ठीक है, ये तीन आपको याद रखने हैं। डी क्या है, such other instrument as may be declared by central government to be derivative, तो ये कोई point ही नहीं है, central government के पास जादू है, वो जिसको बोल दे कि derivative तो वो हमारे लिए derivative है, simple। तो central government किसी भी चीज को consider कर सकती है। तो last point है, any instrument which is declared as derivative by central government, तो ये तो याद नहीं करना है सर, क्या exam में लिखना है, लिखना ही है ना, बट इसको मेहनत नहीं करनी आपको याद करने पे कुछ भी, क्योंकि इट्स नॉट अ कंसेप्ट, वो तो हर एक पॉइंट के एंड में आता है ना, एनी अदर थिंग एज डिस्क्राइब एज डेजिग्नेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, वैसा ही है, दैट सच अदर इंस्ट्रूमेंट एज मे बी डिक्लेयर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू बी डेरिवेटिव। चलो सर इसमें मजा नहीं आया, सर जैसा मैं कह रहा हूँ ना, जैसा सर मजा हमें कॉर्पोरेटाइजेशन में आया कि समझ में आ गया था पूरा, वैसा मजा हमें डेरिवेटिव में नहीं आया, बिकॉज डेरिवेटिव इज अ टॉपिक कवर्ड अंडर पार्ट बी, आई वुड हैव हैड स्किप्ड इट, बट जो स्किप करते हैं वो स्किप हो जाता है, तो हमने इसको एक बार पढ़ लिया कि सर एग्जाम के लिए एक बार मान लेते हैं हो गया, बट उतनी ग्रिप नहीं आई है हमारी इस टॉपिक पे, उतना मजा नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल मजा आएगा जब ये टॉपिक आपका डिटेल में कवर होगा। अभी हमने एक बार इसको एग्जाम लुकआउट से भी पढ़ लिया एक बार, ताकि कोई टॉपिक स्किप ना हो, तो हमने डेरिवेटिव को एग्जाम लुकआउट से कैसा पढ़ लिया। अभी अगर मैं बोलता हूँ अभी एग्जाम देना और एग्जाम में क्वेश्चन आ गया राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डेरिवेटिव, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिखूंगा डेरिवेटिव मीन्स या डेरिवेटिव इंक्लूड्स, इंक्लूड्स, डेरिवेटिव इंक्लूड्स, ओके okay। उसके बाद मुझे पता है ए बी सी और डी, चार पॉइंट लिखने हैं मुझको, जहां पे डी पॉइंट तो मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं है, डी पॉइंट मतलब एनी इंस्ट्रूमेंट, एनी इंस्ट्रूमेंट एज डिक्लेयर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू बी डेरिवेटिव। आपको कभी भी मॉड्यूल की लैंग्वेज वर्ड टू वर्ड रिपीट करने की आपसे उम्मीद नहीं होती है, उम्मीद ये होती है कि आप कीवर्ड्स वैसे के वैसे यूज करें, तो कीवर्ड से यूज कर लें, वर्ड टू वर्ड कोई रिपीट नहीं कर सकता। सो डी पॉइंट याद है, सी पॉइंट तो सबसे इजी था, क्या कमोडिटी डेरिवेटिव, ठीक है सर ये भी परफेक्ट हो गया हमारा, कोई तकलीफ नहीं है। ए और बी में था, ए में जो छोटा सा मैंने हाईलाइट किया था डेरिवेटिव इंक्लूड्स एनी सिक्योरिटी, यहां पे सिक्योरिटी वर्ड था, यहां पे कॉन्ट्रैक्ट वर्ड था, चलो छोड़ो कोई बात नहीं, एनी सिक्योरिटी विच, एनी सिक्योरिटी
विच डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम. अब तीन चीजें थी वहां पे, 1, 2 and 3. क्या क्या था? डेट इंस्ट्रूमेंट कॉमा शेयर और लोन. एकदम आराम से. और यहां पे कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता, वही जो हमने पढ़ा था, अ कॉन्ट्रैक्ट विच डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम द वैल्यू ऑफ अंडरलाइंग सिक्योरिटी. तो सिंपली इतना तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है. उसके बाद में यहां पे सर कुछ इरेलेवेंट चीजें भी लिखी थी. उसके बाद में वेदर सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, वेदर रिस्क इंस्ट्रूमेंट और कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंसेस और अदरवाइज. सो दिस इज हाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड इट फ्रॉम एग्जाम लुकआउट एज वेल. बाकी है कुछ नहीं, मतलब ऐसी बात करें तो हमने मोरल इसको भी समझ लिया कि डेरिवेटिव मतलब एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसकी वैल्यू खुद के पास नहीं होती है, ड्राइव करते हैं. लेकिन ये और डिटेल में पढ़ेंगे तब हमें अच्छे से समझेगा. और ये बिल्कुल सिलेबस में है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर पार्ट बी के अंदर, तो अब चीजें डिटेल में आएगी. अभी हमने ऐसा स्किप नहीं करना था इसलिए पढ़ लिया. तो अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ तो हमने कुछ नहीं किया है, हमने सिर्फ अभी तक डेफिनेशंस खत्म किए. अभी तक हमने सिर्फ डेफिनेशंस खत्म किए, लेकिन डेफिनेशंस इस कदर से हमें खत्म होनी चाहिए कि वन एस्पेक्ट समझ में आना. हाँ सर, समझ में आ रहा है ये कॉर्पोरेशन, ये पूरा सिनेरियो बदल गया, माइंड में इमेजिन हो रहा है. एंड सेकेंड एस्पेक्ट पैरेलली इज हाउ यू नीड टू राइट इट ऑल्सो. क्या क्लियर चल रहा है कि हाँ इस तरीके से हमें लिखना है? तो हमने अगर डेफिनेशंस की बात करूँ तो सबसे पहले स्टार्ट की डेफिनेशन ऑफ डिम्यूचुअलाइजेशन, कॉर्पोरेटाइजेशन. दिमाग में एकदम क्लियर है दोनों डेफिनेशन, तो कोई तकलीफ ही नहीं. सही, एक हो गया सर सक्सेशन, एक हो गया था सेग्रीगेशन, वेरी इजी. उसके बाद में नेक्स्ट आया था स्पॉट. तो स्पॉट ट्रेडिंग भाई दो केसेस है, ठीक है, सेम डे नेक्स्ट डे या फिर जब डिपॉजिटरी के पास में उसने एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया. रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, वेरी सिंपली स्पीकिंग रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज का था स्टॉक विच इज रिकॉग्नाइज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. गवर्नमेंट सिक्योरिटी, अ सिक्योरिटी इश्यूड क्रिएटेड एंड इश्यूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट फॉर द पर्पज ऑफ रेजिंग पब्लिक लोन. और उसके बाद में हमारे पास एक आ गया, दैट इज डेरिवेटिव. आर यू अंडरस्टैंडिंग? लेफ्ट हैंड साइड पे डेरिवेटिव की इस तरह से आप डेफिनेशन लिखेंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे आप पूरा पेज यूज ना करें. आपका पेज जो आपके इसमें ब्लैंक पेज है ना, उसको ऊपर का 1/3 एरिया यूज करेंगे, नीचे का 2/3 एरिया मेरे लिए छोड़ेंगे, मुझे कुछ और लिखवाना होगा. वहां पर सिंपली डेरिवेटिव इंक्लूड्स सिक्योरिटी विच डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम डेट इंस्ट्रूमेंट शेयर लोन वेदर सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड वेदर रिस्क इंस्ट्रूमेंट और कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंसेस और अदरवाइज बी कॉन्ट्रैक्ट विच डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम द वैल्यू ऑफ अंडरलाइंग सिक्योरिटी सी कमोडिटी डेरिवेटिव डी ओन एनी इंस्ट्रूमेंट एज डिक्लेयर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू बी डेरिवेटिव. उधर से देख के नहीं लिखेंगे, खुद से और स्क्रीन पर जो लिखा है उसकी मदद से इन दोनों से लिखेंगे राइट हैंड साइड पर. Whether secured or unsecured, whether risk instrument or contract for differences or otherwise. आप लोग abbreviations use नहीं करेंगे, आप लोग full forms लिखेंगे अच्छे से. Abbreviations की अगर आदत डल जाती है तो वो exam में भी आप abbreviations लिखते हैं और वो marks कट होते हैं उसके. एकदम शांति से, जितना जैसे याद आ रहा है वैसे.
कुछ अगर नहीं समझ में आ रहा तो पूछ सकते हैं, ये आपके सिर्फ रेफरेंस के लिए। और मेरी हैंडराइटिंग इतनी गंदी भी नहीं है, नहीं ये वाली गंदी है, मतलब मेरी जो नॉर्मल हैंडराइटिंग इससे बेटर है, तो घबराओ मत इसको देख के। सेकेंड, वेदर सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड कॉमा वेदर रिस्क इंस्ट्रूमेंट और कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंसेस और अदरवाइज। ऐसा क्वेश्चन, कुछ पूछना चाहते हैं? स्पेक्युलेशन का मतलब होता है सट्टा, उसका एक पैरेलल वर्ड भी कह सकते हैं। स्पेक्युलेशन मींस शेयर खरीदना बेचना, खरीदना बेचना, खरीदना बेचना। नहीं नहीं, स्पेक्युलेशन का मतलब कैसा हो गया, नॉट फ्यूचर ट्रेडिंग इज अ टाइप ऑफ स्पेक्युलेशन, स्पेक्युलेशन डज नॉट ऑलवेज मीन फ्यूचर ट्रेडिंग। स्पेक्युलेशन का मतलब कैसा है कि मैं आज क्या कह रहा हूँ, इंट्राडे ट्रेडिंग, शेयर खरीद रहा हूँ बेच रहा हूँ, खरीदा बेच रहा हूँ, आज खरीदा कल बेच दिया, दिस इज ऑल कवर्ड अंडर स्पेक्युलेशन। स्पेक्युलेशन का मतलब सिंपली है आप शेयर खरीद रहे बेच रहे हैं, खरीद रहे बेच रहे हैं, दिस इज स्पेक्युलेशन। जब सिंपली सॉरी हाँ नहीं नहीं हाँ बिल्कुल कुछ भी आ सकता है, स्पेक्युलेशन कोई कंसेप्ट है ही नहीं, स्पेक्युलेशन इज ए इंग्लिश वर्ड। सिंपली स्पेक्युलेशन मतलब होता है कोई भी चीज अपन शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हैं, दैट इज स्पेक्युलेशन, दैट्स नॉट अ कंसेप्ट। कहीं भी रेगुलेशन में स्पेक्युलेशन का वर्ड का मतलब नहीं आएगा, बस एक जगह आएगा अगर एक्सेसिव स्पेक्युलेशन हो रही है तो सेबी उसको रोक देता है, क्योंकि लोग बस खरीद रहे बेच रहे हैं। अंडरस्टैंड लॉजिक, सेबी चाहता है कि इन्वेस्टर कैसा हो, लॉन्ग टर्म हो, मतलब आज शेयर खरीद रहा है वो थोड़े टाइम बाद शेयर बेचे, सेबी ऐसे इन्वेस्टर चाहता है। लेकिन अगर इन्वेस्टर आज खरीद रहे हैं कल बेच रहे हैं तो दिस इज ऑल सट्टा, इसमें दो पर्पस सर्व नहीं होता, तो उसे स्पेकुलेशन कहते हैं। खैर अलाउड है, कोई इलीगल नहीं है स्पेकुलेशन भी, तो स्पेकुलेशन कंसेप्ट में कहीं नहीं आता है, स्पेकुलेशन वर्ड है जहां पे आप शेयर्स में बहुत फ्रीक्वेंट ट्रेडिंग कर रहे हैं। यस पीपल, आर वी कंफर्टेबल, वी डन, कर रहे हैं, कर लीजिए एकदम आराम से, कर लो फटाफट से। और अदरवाइज, यस पीपल, चलिए, द इंटेंशन अप टिल नाउ वाज जस्ट कि हम लोग ये डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ लें, समझ लें, दिमाग में क्लैरिटी आए। इनिशियली इट विल टेक सम टाइम ऑफ कोर्स टू सेट इन द फ्लो, बाकी वंस द फ्लो इज सेट तो फिर और कंफर्टेबल, बिकॉज अभी हर एक वर्ड में हमें बहुत सारे डिस्कशन करने हो जाएंगे। जैसे कि कल हमने एक चीज डिस्कस की थी, वो एक और बार डिस्कस करो एंड यू विल पेन इट डाउन बेसिक्स में। हमने इज दिस डन राइट, कौन से पॉइंट पे सर आप, हो जाएगा मैनेज, चलो बहुत ही अच्छी बात है, चलो वो छोड़ दो, वो बाद में कर लीजिएगा, यहाँ पे आ जाओ, वी डिस्कसिंग समथिंग जो हमने कल डिस्कस किया था, हमारा पेन डाउन करना बाकी था। बेसिक्स के अंदर एक और पॉइंट पढ़ रहे हैं हम लोग, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग हमने देखा, एक होती है स्पॉट ट्रेडिंग जिसकी हमने डेफिनेशन भी पढ़ लिया, और एक होती है फ्यूचर ट्रेडिंग जिसको हम कहते हैं डेरिवेटिव ट्रेडिंग जिसको हम कहते हैं, ये सारी चीजें फ्यूचर ट्रेडिंग। स्पॉट ट्रेडिंग ऑल्सो नोन एज डिलीवरी ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग ऑल्सो नोन एज डेरिवेटिव। एकदम आराम से, हमेशा इफ एट ऑल टुमारो व्हाट विल हैपन इज वंस, अभी तो बैच बहुत स्टार्ट हुआ है, हमने कुछ ट्रेडिंग वेडिंग देखी भी नहीं है, और हम लोग अभी वैसे धुआंधार चैप्टर पे आए भी नहीं है, मतलब अभी हम बड़े बड़े चैप्टर्स पे आएंगे तब हम लाइव शेयर मार्केट को पैरेलली फॉलो करते रहते हैं। जैसे कि अभी हम शेयर मार्केट में अभी बायबैक का चैप्टर पढ़ेंगे, तो हम देखेंगे कि विप्रो इज प्लानिंग अ बायबैक, तो विप्रो का बायबैक कैसा स्ट्रक्चर है, क्या चीजें हैं वो देखेंगे, हम टेक ओवर देखेंगे, तो अभी रिसेंटली लार्सन एंड टूब्रो ने टेक ओवर किया था माइंडट्री को, तो हम वो सारी चीजें प्रैक्टिस, तो हम शेयर मार्केट में इंटरेस्ट बढ़ेगा। जब इंटरेस्ट बढ़ेगा तो क्या होगा, आप लोगों को मस्ती आएगी कि हम भी ट्रेड करना चाहते हैं, ये आएगी आपको अंदर से एकदम से। और वो क्यों आएगी, उसका कारण ये है, बिकॉज यू विल सी सर्टेन थिंग्स ड्यूरिंग द बैच। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर अभी की बात करता हूँ, अभी मैं येस बैंक के शेयर प्राइस देखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल येस बैंक एक ऐसा बैंक है जिसके शेयर प्राइस आज से कुछ 4 महीने पहले 170 थे, 170 रुपीज पर शेयर, फिर वो बढ़ बढ़ के वो शेयर प्राइस गए 250 260 तक। आज का अगर मैं येस बैंक का शेयर प्राइस देखता हूं 115 रुपए के आसपास है, 115 रुपीज। इससे हम क्या सीखते हैं, हम ये सीखते हैं
कि शेयर मार्केट में एंट्री एग्जिट कब कर रहे हो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर देता है। सबसे पहला डिसीजन है विच शेयर टू बाय, सबसे पहला डिसीजन तो कौन से शेयर में इन्वेस्ट करना है। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन आ जाता है व्हेन टू एंटर व्हेन टू एग्जिट। एक व्यक्ति हो सकता है जिसने यहां पे शेयर खरीदे होंगे और उसने यहां पे शेयर बेच दिए, अरे उससे खुश तो जिंदगी में कोई होगा नहीं ना। ये यहां से यहां तक का ग्राफ हुआ था सिर्फ 3 मंथ्स के अंदर। 3 मंथ में एक व्यक्ति जिसने 170 रुपए लगाए वो पैसा 250 रुपए हो गया है। 250 रुपए किसे कहते हैं, मतलब ग्रोथ ऑफ समवेयर अराउंड मोर देन 50%, 60-70% का ग्रोथ है इन 3 मंथ्स। और हमारे यहाँ साल भर में इंटरेस्ट रेट मिलता है 10-12% का, और इन 3 मंथ्स 70% पैसे मिल गए। सो दिस इज आउटस्टैंडिंग, दिस इज ह्यूज, दिस इज ह्यूज। बट वो भी तो सोचो, एक व्यक्ति जिसने एंट्री यहाँ पे लिया, बिल्कुल ली होगी। शेयर प्राइस अगर कहीं पे टिका है मतलब उस टाइम पे लोग बाय सेल कर रहे हैं। मैंने आज 250 पे बेचा तो किसी ने तो खरीदा है ना, तभी तो शेयर प्राइस टिका है। आज शेयर प्राइस अगर 250 का है मतलब 250 पे लोग खरीद भी रहे हैं बेच भी रहे हैं। होगा ऐसा व्यक्ति जिसने 250 पे एंट्री भी तो की होगी जिसका आज की तारीख में शेयर प्राइस 115 है। सोचो उस आदमी के बारे में जिसने अपना हार्ड अर्न्ड मनी लगाया यहाँ पे। मान लो मेरे आज तक की जीवन पूंजी 5 करोड़ रुपए, मैंने 5 करोड़ रुपए लगा दी इस रेट में। अरे भाई 2.5 करोड़ हो गई है, ये 2.5 करोड़ हो गई है और ये आया है इन 2 मंथ्स। 2 महीने में मेरे पिछले 4 साल की कमाई आधी हो गई। और वहीं हमने ऐसे केसेस भी देखे हैं, फॉर एग्जाम्पल आई सी पेज इंडस्ट्रीज का शेयर, पेज इंडस्ट्रीज का शेयर जॉकी जो इंडिया में ब्रांड है, जॉकी पेज इंडस्ट्री सेल करता है। पेज इंडस्ट्री का शेयर वॉज 15,000 से वो टच हुआ 30,000 तक, और आज वो शेयर वापस आया है 20,000 पे। आई हैड शोन स्टूडेंट्स लाइव ट्रेडिंग इन द क्लास इन लास्ट टू लास्ट बैच 15,000 पे। लास्ट टू लास्ट बैच में हमने क्लास में ट्रेडिंग की थी इसकी पेज इंडस्ट्री की, 15,000 की शेयर प्राइस थी और वो इन 5 मंथ्स टाइम पीरियड 30,000 हुए। 5 महीने में पैसा डबल कौन करके देता है, इट इज इम्पॉसिबल। कोई बिजनेस इंडिया में 5 महीने पैसा डबल नहीं कर सकता। अरे अपन FD में इन्वेस्ट करते हैं क्या सोच के, और साल भर में 15% मिलेगा। 15% इंटरेस्ट के लिए अपन अपना पैसा साल भर लगा के रखते हैं, साल भर, वो भी FD में। FD का सबसे ज्यादा डीमेरिट है, जब इच्छा है तब ले नहीं सकते ना। आपकी इच्छा आज पैसा जरूरत, आप FD लेने से तुड़वानी पड़ेगी, तुड़वाने पे इंटरेस्ट कटेगा, तो कहीं ना कहीं FD में वो रिस्क है। और वहीं भाई कोई रिस्क नहीं, मतलब बीच में मुझे पैसे की जरूरत है मैं बेच सकता हूँ। आज पैसे बेचूंगा, पैसा मेरे अकाउंट में कितने दिन में आ जाएगा, पढ़ता है था ना आपको T+2 में तो पैसा बैंक अकाउंट में आ जाएगा। आज मंडे को बेचे, वेंसडे को पैसा बैंक अकाउंट में मेरा, इतना फास्ट। अरे मैं कौन सी जमीन, कौन सी प्रॉपर्टी, फ्लैट, कौन सी चीज इतनी जल्दी बेच सकता हूँ, शेयर, घर बैठे बैठे, और ना मुझे बेचने के लिए कहीं जाना है। आई शो यू हाउ टू ट्रेड, इट विल टेक 20 सेकंड्स टू सेल अ शेयर। ये बैठे और ये बेच दिया, इतना कन्वीनियंटली बेचना। कोई अपन को ये भी नहीं करना कि उसके घर जाके पैसे मांगना है, दे दो साहब, पूरा पैसा सीधा आपके बैंक अकाउंट में। अवॉइडिंग ईच एंड एवरी हसल, दैट इज शेयर मार्केट टू यू। तो अपने अंदर से एक मस्ती आएगी, सर बस आप बस शेयर मार्केट ही करेंगे जीवन में और कुछ भी नहीं करेंगे। बिकॉज यू विल सी शेयर्स लाइक अपना जो ये रॉयल एनफील्ड है ना, इसकी जो कंपनी का जो शेयर था ना, उसका शेयर इतना ज़्यादा बड़ा है दैट यू विल गो मैड ऐसे शेयर्स। अपना राकेश झुंझुनवाला साहब, नाम सुना है अपन ने, ठीक है, मतलब इंडिया का सबसे जो बड़े इन्वेस्टर हैं उनका नाम है राकेश झुंझुनवाला, एकदम आराम से। अब कैसा है, इन्होंने एक बार इनका एक रीसेंट मतलब उस बात को भी हो गए होंगे अब तो शायद दो महीने पहले का इनका पोस्ट था, फेसबुक का पोस्ट ही समझ लीजिए, राकेश झुंझुनवाला का 2-3 महीने पहले का, जिसमें उन्होंने बोला राकेश झुंझुनवाला इंडिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर, इनकी इन्वेस्टमेंट कंपनी का नाम शायद रेयर है, आई माइट बी रॉन्ग, गूगल करेंगे तो मिल जाएगा, आई थिंक इट्स रेयर करके इनकी इन्वेस्टमेंट कंपनी है। राकेश झुंझुनवाला साहब का एक पोस्ट था कि माई ग्रैंड मदर ऑलवेज यूज टू टेल मी दैट राकेश यू ओनली इन्वेस्ट इन पेपर्स, इन्वेस्ट इन पेपर मतलब शेयर मार्केट, समझ रहे ना, पहले तो सर्टिफिकेट फॉर्म में होते थे ना, फिर अभी डीमैट आया था, तो राकेश यू ऑलवेज इन्वेस्ट इन पेपर्स ओनली, डोंट इन्वेस्ट इन पेपर्स, इन्वेस्ट इन लैंड। सो राकेश झुंझुनवाला सेड दैट यार माई ग्रैंड मदर ऑलवेज यूज टू टेल मी डोंट इन्वेस्ट इन पेपर, इन्वेस्ट इन लैंड, डोंट इन्वेस्ट इन पेपर, इन्वेस्ट इन लैंड। सो वट आई डिड, आई थिंक द कंपनी कोटेड वॉज विप्रो, आई डोंट रिमेंबर, आई माइट बी रॉन्ग देर, आपको फेसबुक में मिल जाएगा, शायद विप्रो कोट किया था उन्होंने या कोई दूसरा कंपनी कोट किया होगा। सो ही सेड आई हैड, नहीं यस विप्रो कोट नहीं किया था उन्होंने, उन्होंने कोट किया था अपना ट्रेडिंग ऑफ, हाउ कैन आई फॉरगेट दैट कंपनी जो क्रेडिट रेटिंग करती है, ओके से एक्स लिमिटेड,
वो आपको मिल जाएगा फेसबुक पे, एंड आई विल गिव यू द नेम ऑल्सो। तो राकेश जुनवाला सब सेड कि मेरे पास उस टाइम पे कुछ दस करोड़ के शेयर्स थे उस एक्स लिमिटेड कंपनी के, एक्स लिमिटेड कंपनी के 10 करोड़ के शेयर्स थे। सो नाउ माई ग्रैंड मदर वॉज फोर्सिंग मी, सो वट आई डिड, आई सोल्ड दीज शेयर्स एंड आई टुक अ बंगलो आफ्टर सेलिंग दीज शेयर्स। इट्स बीन 20 ईयर्स एंड नाउ दैट बंगलो इज फॉर समवेयर अराउंड 35 करोड़। मतलब बंगलो मीन्स पूरा सीरीज थी, दैट इज फॉर 35 करोड़। आई शुड बी सो प्राउड। बट द मोमेंट आई सी दैट एक्स लिमिटेड शेयर इन दीज 20 ईयर्स दिस हैज समवेयर टचड 80 करोड़ एंड दिस हैज गिवन समवेयर अराउंड 30 करोड़ का डिविडेंड। सो वॉट ही वॉज सींग इज कि मैंने लैंड में इन्वेस्ट किया, अरे देखो कितना अच्छा हुआ 35 करोड़, अरे इतना प्रॉफिट हुआ। अगर मैं उसको उसी शेयर में रखता तो आज का उसका प्राइस होता 80 करोड़, और 30 करोड़ का तो उन्होंने कितना दे दिया मुझको, डिविडेंड दे दिया है। सो वॉट वी सी इन इंडियन सोसाइटी इज वी हैव सीन, अरे 10 लाख में घर खरीदा तो आज 50 लाख का है, बिकॉज वी हैव जस्ट सीन दैट काइंड ऑफ इंक्रीमेंट ओनली ना, वी हैवंट सीन द इंक्रीमेंट शेयर मार्केट हैज गिवन। सो द मोमेंट वील सी कि शेयर्स इस तरह से बढ़ते हैं, और ए सर अब बस लाइफ में कुछ नहीं करेंगे, घर बार बेच देंगे, पापा बस साइन करवा लेंगे और बस पैसा डाल देंगे शेयर मार्केट में और बस फिर घर पे बैठेंगे आराम से, यही तरह से बढ़ता रहेगा। अरे बट तभी यू विल सी सर्टेन अदर शेयर्स एज वेल। आई टेल यू द केस ऑफ वीडियोकॉन। वीडियोकॉन क्लास में कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जिसने वीडियोकॉन का नाम नहीं सुना होगा। वीडियोकॉन का ब्रांड एम्बेसडर वॉज शाहरुख खान एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। वीडियोकॉन शेयर वॉज ट्रेडिंग एट 125 रुपीज पे ट्रेड कर रहा था। आज की तारीख में तो वीडियोकॉन एंड आईसीआईसीआई पूरा एकदम देर ऑल इन टू दैट फ्रॉड स्टफ। वीडियोकॉन के जो प्रमोटर हैं द नेम इज वेणुगोपाल दूत साहब, ही इज द प्रमोटर ऑफ वीडियोकॉन, ही इज अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ आईसीआईसीआई बैंक। इनके अपने वो चेयरमैन कौन थी लेडी, चंदा कोचर के हस्बैंड और वेणुगोपाल दूत साहब आर वेरी गुड फ्रेंड्स। सो व्हाट हैपेंड इज, आपको पता ही होगा न्यूज में पढ़ा होगा, शी हैज करंटली मतलब रिजाइन, सीबीआई का इंक्वायरी वगैरह सब चल रहा है। सो व्हाट हैज हैपेंड इज कि आईसीआईसीआई गेव सम अनऑथराइज्ड लोन टू वीडियोकॉन और वीडियोकॉन आज की तारीख में ऐसी गंदी हालत में कि डूब रही है, मतलब कभी भी वाइंड अप हो जाएगी हालत लगती है वीडियोकॉन की। और वीडियोकॉन का शेयर जो 125 रुपए का था वो आज कितने रुपए का है, 2 रुपए का। यस 2 रुपए का। यू जस्ट इमेजिन व्हाट इफ आई वुड हैव इन्वेस्टेड माय हार्ड अर्न मनी इन वीडियोकॉन। 125 शेयर प्राइस थी, मतलब वहां पे भी एंट्री तो क्यों गिन लोगों ने, और 125 शेयर प्राइस थी इसका मतलब ये नहीं कि 125 शेयर प्राइस कुछ दिनों के लिए थी, अरे सालों से 100-125 घूमी है वो, 100-125 मतलब लोग आराम से खरीद रहे थे बेच रहे थे, एंड देन सडनली द शेयर प्राइस हैव फॉलन टू 2 रुपीज। एंड एनीवेज द फिगर्स आई एम टेलिंग यू ना कैन बी क्रॉस चेक बाय टू यू इन अ मिनट। ये बैच ओवर हुआ, मनी कंट्रोल का ऐप डाउनलोड करो, वीडियोकॉन शेयर प्राइस उसके ऊपर होता है टाइम पीरियड, तो उसमें वीडियोकॉन शेयर प्राइस का पिछले 5 साल का हराइजन देखना, 125 भी आपको दिखेगा, और 125 से आज है वो 2 रुपए पे। नाउ वॉट इफ आपने ये घर बार बेच के पापा से साइन करा के सारा पैसा लगा लिया होता, जस्ट इमेजिन। सो द पॉइंट इज जस्ट शेयर मार्केट इज नॉट अ ईजी नट टू क्रैक, कि हमने कुछ गोल्डन रूल्स बना लिए इसको फॉलो करेंगे पैसा कमा लेंगे, इतना ईजी नहीं है। एक और शेयर शिल्पी केबल 250 रुपये का शेयर था, आज की तारीख में वो भी कुछ 3-4 रुपये का चल रहा है। और भाई आप इमेजिन करो, मैं आज रिटायर हुआ हूँ, मेरे पास अपने पूरे जीवन भर की कमाई है 3-4 करोड़ रुपये और ये मैंने इन्वेस्ट कर दिया शिल्पी केबल में, खत्म। 3 रुपये का शेयर, मतलब बचा क्या है, एंटायर कैपिटल हैज इरोडेड। And I am not saying a few examples like these are, there are plethora of examples like this in share market. तो जहाँ पे हम यहाँ पे MRF जैसे शेयर देखते हैं, MRF का शेयर आप देखेंगे तो MRF शेयर कुछ 30,000 का शेयर था, उससे वो 80,000 तक गया था और अभी शायद 60,000 के आसपास आएगा वापस। 80,000 टच हुआ था MRF का शेयर, 80,000, 30,000 का शेयर 80,000, ऑलमोस्ट तीन गुना। सो द पॉइंट इज जस्ट सिक्योरिटीज मार्केट इज नॉट दैट स्ट्रेट कि हमने कुछ रूल बना के निकल गए। इफ एट ऑल यू
actually focus and understand the fundamentals and how these shares follow up, then the kind of money share market can give, no other business or FD or bank can ever give. That is why India ke sabse badi investment banks hi to hai, jo sabse zyada paisa hai. Sabse zyada jo hum kehte hain career point, investment banking jise kehte hain, Credit Suisse, Goldman Sachs, ye sab kya hai? To ye sab, all of these people make outstanding money just because of share market. So the main question is when and where to invest. Where is one question, which share, and when to invest is the second question. Chalo, ekdam aaram se. Basics, simple. Trading, spot trading, future trading. Simple golden rule mujhe aapko likhwana hai. Spot trading matlab when the payment and delivery happens. How? इमीडिएटली दिस इज स्पॉट ट्रेडिंग. आज पेमेंट आज डिलीवरी मतलब स्पॉट ट्रेडिंग. आज का मतलब टी प्लस टू हो जाता है डीमैट के केस में, इमीडिएटली कह रहा हूं मैं. एंड फ्यूचर ट्रेडिंग मतलब जहां पे ये पेमेंट प्लस डिलीवरी होता है ऑन अ फ्यूचर डेट. व्हाट आई एक्सपेक्ट यू, यू पीपल नीड टू राइट इट. जो बेसिक्स हमने लिखे थे ना, बेसिक्स में एक पेज आपका ब्लैंक होगा, उस पेज पे ऊपर ये लिख दीजिए बेसिक्स. कुछ एक आधे आगे भी मुझे लिखवाने होंगे तो लिखाऊंगा, ये एक बेसिक्स लिख दीजिए. ट्रेडिंग दो तरह की हो सकती है, स्पॉट और फ्यूचर. ओके, एंड आई गेस देयर आर ऑलरेडी देयर पीपल वेटिंग आउटसाइड, सो आई विल जस्ट स्टॉप द लेक्चर हियर फॉर द डे. थैंक यू सो मच फॉर योर नाइस पेशेंस, जस्ट पेन इट डाउन, दैट विल बी ऑल फॉर द डे. एंड द बुक्स आर अवेलेबल एट द एकेडमी ऑफिस, सो यू कैन कलेक्ट द बुक्स. द बुक्स आर ओनली अवेलेबल पूरे बैच के, जो हमारे the latest edition incorporating all the amendments, jo bhi amendments hai sare incorporate hua hai, wo book available. So now you can collect the books only. Yeah, thank you so much.